आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटे से भुट्टे। आपको पता है फ्रेंड्स, अभी भुट्टो का सीज़न चल रहा है, तो मैं आज आपके लिए बनाऊंगी चटपटे से भुट्टे। तो वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुरेखा। यहाँ लिया है मैंने एक भुट्टा, इसे मैंने छील लिया है, अब मैं इसे काट लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे दो टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसे कुकर में डालूंगी उबालने के लिए। ये मैंने कुकर में पानी ले लिया, इन भुट्टों को मैं रख दूंगी अब इसके अंदर। अब मैं इसमें डालूंगी हल्का सा नमक। ये नमक डाल दिया मैंने, अब मैं इसे कर दूंगी बंद और हम लगाएंगे 4-5 सीटी, जिससे कि ये भुट्टे पक जाए। ये देखिए, ये भुट्टे मेरे हो चुके हैं, मैंने इसे छील लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें मैंने ऑयल ले लिया है। ये ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें डालना है अदरक का पेस्ट। ये मैंने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ले लिया है। और अब मैं डालूँगी 2 बड़े चॉप्ड किए हुए प्याज जो मैंने रखे थे, और मैं इसे अच्छे से भूज लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा प्याज अच्छे से भूज रहा है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 बड़ी कटी हुई हरी मिर्च, और अब इसे अच्छे से मैं इसे भूज लूँगी। ये देखिए, अब इसमें ऐड कर दिया मैंने काली मिर्च के पाउडर, 3/4 स्पून ही लेना है आपको। और यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा, जो भुना हुआ ज़ीरा है उसका पाउडर, और अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। ये देखिए, अब इसमें ऐड करूँगी मैं मीठी नीम। ये मीठी नीम मैंने ऐड कर लिया है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है पुदीना हरा की ताजी, जो पुदीना हरा है उसके पत्ते, और अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं अपने उबले हुए भुट्टे, मींस कॉर्न, जो मैंने छील के रखे थे, और अब मैं अच्छे से इन्हें मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, नमक का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले भी हमने नमक ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये मैंने ऐड किया गरम मसाला। मसालों की क्वांटिटी आप अपने भुट्टे के अकॉर्डिंग रखिएगा फ्रेंड्स। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, ये मेरे मिक्स हो गए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने ये लाल मिर्च लिया है, और तीखा भी ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये हो गए मेरे भुट्टे। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी हमारी कटी हुई, जो मैंने फ्रेश हरी धनिया काट के रखा था चॉप्ड करके, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें मैं लेमन जूस, मींस नींबू का रस, 1 बड़ा नींबू लिया मैंने, अब उसे मैं इसमें डाल दूंगी। नींबू का रस, आह क्या खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, वाह चटपटा। अब ये मेरे कॉर्न तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं अब अपनी अच्छी अच्छी वीडियो अपने आपके लिए लेके आऊँगी। ये मेरे रेडी हैं। लाइक शेयर कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा बनाकर कि ये कैसे लगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।